तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार्ग से दूर रहा हूं। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूं, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूं। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 30 जनवरी 2019। आज का पवित्र वचन इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 11 से 18 तक। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं। किंतु पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद वह सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इस संबंध में पवित्र आत्मा का भी साक्ष्य हमारे पास है। पहले वह बोलता है, प्रभु यह कहता है, मैं उनके लिए यह विधान निर्धारित करूंगा, मैं अपने नियम उसके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। और इसके बाद वह फिर कहता है, मैं उनके पापों और अपराधों को याद भी नहीं रखूंगा। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से 20 तक। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पंक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज पड़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, कांटों ने बरकर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर फले फूले 30 गुना या 60 गुना और 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ईसा के अनुयायियों और बाहरों ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें, सुनते हुए भी नहीं समझें। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आएं और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? जो तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, जो रास्ते के किनारे हैं
जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है। वे थोड़े ही दिन दृढ़ बने रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती हैं और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।